प्रिय श्रोताओं, बुढ़ापा एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका सबको सामना करना पड़ता है। इंसान सारी उम्र खूब जुटकर कमाता है, उसके पास प्रभु का नाम लेने के लिए भी समय नहीं होता। इंसान ये सोचते सोचते सारी उम्र गंवा देता है कि प्रभु का भजन आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, और ऐसे ही सोच सोच में पूरा जीवन बीत जाता है और अंत में उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। कवि ने भजन के माध्यम से इंसान को क्या समझाने की कोशिश की है, सुनिएगा जरा। प्यारी आँखों से जो तो इस संसार को देख रहा है, एक दिन इन्हीं आँखों के पास भी देखने की शक्ति नहीं रहेगी, और एक दिन प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए भी तुम्हें तरसना पड़ेगा। और क्या लिखा है सुनिएगा जरा। तेरी आँखों की शक्ति घट जाएगी, साथ छोड़ जाएंगे, तू अपने कानों से प्रभु का भजन भी नहीं सुन पाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि समय की कद्र करो और समय रहते प्रभु की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो। और आगे क्या लिखा है सुनिएगा जरा। तेरी सुनने की ताकत घट जाएगी, बोलता नहीं लेने को हरि नाम, तू मुख खोलता नहीं कि आज का नाम बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। ए इंसान, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, सुनेगा जरा। तेरी जीवा की शक्ति घट जाएगी, तेरी जीवा की भजन ना गा पाएगी, मत करना वेट।
मिमिक कवि ने कहा है, ए इंसान आज तेरे पैरों में ताकत है लेकिन मंदिर तक जाने का तेरे पास समय नहीं है। लेकिन जिस दिन तेरे पास समय होगा उस दिन तेरे पैरों में ताकत नहीं रहेगी और तू मंदिर जाकर प्रभु का दर्शन ही नहीं कर पाएगा। और आगे क्या लिखा है सुनिएगा जरा। बताया है कि जब तक पास है पैसा सब पूछते हैं कि तू है कैसा, और जब पास में नहीं रहेगा पैसा तो कोई नहीं पूछेगा तू कि है कैसा। और इंसान को बताया गया है कि ए इंसान जिस धन दौलत पर तू इतना घमंड करता है एक दिन ये धन दौलत भी तेरे पास नहीं रहेगा और तेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और आगे क्या बताया है जरा सुनिएगा। तेरे पोते बड़े हो